नमस्कार दोस्तों, आज आप जानने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में कि हेयर फॉल होता क्या है, किन कारणों की वजह से हेयर फॉल होता है और ऐसी कुछ हैबिट्स जिन्हें अपनाकर आप हेयर फॉल से बहुत हद तक बच सकते हैं और हेयर फॉल का ट्रीटमेंट क्या है। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, हेयर फॉल एक बहुत कॉमन सी समस्या है। दिन भर में से 50-100 बाल आपके यूं ही झड़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपके बाल ज़्यादा अमाउंट में झड़ते हैं या झड़ने के बाद उस एरिया में अगर आपके बालों की डेंसिटी कम हो चुकी है या आपके बाल बहुत स्लो ग्रो हो रहे हैं या ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो उसे हम हेयर फॉल कहते हैं या हेयर लॉस कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है? देखिए, एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है, बहुत सारे कारण हैं, उसमें से हम कुछ एक डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला कारण है हेयर लॉस का, वो है जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकता। जी हाँ दोस्तों, जेनेटिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है हेयर फॉल में। अगर आपके जेनेटिक्स में, अगर आपके डीएनए में ही प्रॉब्लम है, तो आपको हेयर लॉस होगा। देखिए, अगर आपके मैटरनल साइड में, पैटर्नल साइड में अगर हेयर लॉस है, तो अल्टीमेटली आपको भी आएगा। अगर आपके फादर में प्रॉब्लम है, अगर आपके ग्रैंडफादर का भी हेयर फॉल हुआ है, आपके फादर का हेयर फॉल होता है, तो ये बहुत एक नॉर्मल चीज़ है कि वो जेनेटिक्स में आपको आया हुआ है, तो आपका भी हेयर फॉल होगा। जो दूसरा मेन रीज़न है दोस्तों, वो है डीएचटी। डीएचटी का मतलब होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एक तरह का फैक्टर होता है, एक तरह का हार्मोन होता है। मोर स्पेसिफिकली कहे तो जो मेल्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। इसके वजह से ही मेल्स में जो हेयर लॉस होता है, जो हेयर फॉल होता है, वो ज़्यादा होता है। अब जो डीएचटी होता है, जिस तरह से आपकी उम्र बढ़ती जाती है, उस तरह से जो इसका जो सिक्रीशन है वो भी बढ़ने लगता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप उम्र की 35-40 क्रॉस करते हैं, तो आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता है। उसका जो मेन कारण है वो डीएचटी है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से ये जो डीएचटी है वो ज़्यादा रिलीज होता है। और जो डीएचटी होता है, ये क्या कर रहा है दोस्तों, जो आपका हेयर फॉलिकल होता है, जो आपका जो बालों की जड़ होती है, ये उसे अफेक्ट करता है। जो हेयर फॉलिकल होता है, ये उसे सिकोड़ने लगता है, उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसी वजह से आपको बार बार जो है, आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से आपकी उम्र बढ़ती है, तो जो हेयर फॉल होता है वो डीएचटी के कारण होता है। ये हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, हैम्पर्ड कर देता है, और जो हेयर डेवलपमेंट भी है उसे भी बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस हो सकता है। मेनली अगर आपका न्यूट्रिशन, देखिए दोस्तों, अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक से नहीं है, अगर आपकी डाइट ठीक से नहीं है, अगर आपके डाइट में विटामिंस नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो हो सकता है आपको हेयर लॉस हो। इसी के साथ साथ जो फीमेल्स होती है जिनमें प्रेगनेंसी होती है, उनमें भी एक हद तक बहुत ज़्यादा हेयर लॉस देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम में आपका जो हॉर्मोन्स इम्बैलेंसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके वजह से आपको हेयर लॉस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो विमेंस में थायराइड होता है, यानी कि जो थायराइड से सफ़र करती है, उनमें भी हेयर लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि जो टीएसएच हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपकी हेयर ग्रोथ में। इसके साथ साथ जिन लोगों को कैंसर होता है, मोर स्पेसिफिकली जो फीमेल्स होती है जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, इस तरह के और भी बहुत सारे कैंसर होते हैं जिनमें कैंसर होता है, उन लोगों में ज़्यादा हेयर फॉल होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब वो कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं, जब कीमोथेरेपी लेते हैं, रेडियोथेरेपी लेते हैं, तो इसी की वजह से उनका हेयर लॉस ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें आपका हेयर फॉल होने लगता है। कुछ ऑटोइम्यून डिसीजेज होने लगती है, कुछ ऑटोइम्यून कंडीशन होने लगती है, जिसके वजह से आपका जो हेयर फॉल होता है उसका रेट बढ़ जाता है। आपके स्कैल्प पे पैचेस गिरने लगते हैं, आपके पूरे बॉडी से हेयर फॉल होने लगता है, इवन आपके आईब्रोज फॉल डाउन होने लगते हैं, जिसे हम एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। एंड्रोजेनिक पैटर्न जो होता है हेयर लॉस का, वो बहुत कॉमन टाइप का पैटर्न होता है दोस्तों, जिसमें आपका जो हेयर लाइन होती है, जो आपकी जो मार्जिन, जो इसे मार्जिन कहते हैं, जो क्राउन होता है, ये पीछे साइड में सरकने को लगता है, इसे हम एंड्रोजेनिक पैटर्न कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका जो क्राउन होता है, जो मार्जिन होती है, वो वक्त के हिसाब से बढ़ने लगती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि जहां आपका ये जो पूरा जो पैटर्न होता है, ये कंप्लीटली फिनिश हो चुका होता है, इसे हम एंड्रोजेनिक पैटर्न कहते हैं, और ये बहुत कॉमन टाइप का पैटर्न होता है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप हेयर फॉल से बहुत हद तक बच सकते हैं। क्या है वो? नंबर वन, ल्यूकवॉर्म वाटर, यानी कि गुनगुना पानी या ठंडा पानी। देखिए दोस्तों, जब भी आपको हेयर वॉश करना होता है, तो आप हमेशा एक तो ठंडा पानी यूज़ करें या फिर गुनगुना पानी यूज़ करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपने सिर के ऊपर जब भी उन्हें हेयर वॉश करना होता है, वो गर्म पानी यूज़ करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आपका जो स्कैल्प होता है, आपके स्कैल्प में, आपके हेयर फॉलिकल में एक केराटिन प्रोटीन होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो आपकी हेयर ग्रोथ में मदद करता है। तो जब अगर आप गर्म पानी यूज़ करते हैं, तो वो प्रोटीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि उस प्रोटीन को हमें ख़राब नहीं करना है, केराटिन को खराब नहीं होने देना है। तो इसलिए हमेशा आप ठंडा पानी यूज कीजिए, या हो सके तो कुनकुना पानी यूज़ कीजिए। दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ मत कीजिए, बहुत हार्ड शैम्पू यूज़ मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है, आजकल जितने भी शैम्पू आते हैं मार्केट में, उसमें बहुत ज़्यादा सल्फेट होता है। सल्फेट आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, आपकी हेयर ग्रोथ को डैमेज करता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ कीजिए। ऑर्गेनिक शैम्पू से आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी और आपका हेयर फॉल है वो भी बहुत हद तक रुक सकता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आपके जो हेयर होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़
कीजिए, आप ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ कीजिए, ये ज़्यादा आपको फायदेमंद होंगे। अगर आप बार बार हेयर कलर करते हैं दोस्तों, हेयर कलर कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार हेयर कलर करते हैं तो ये भी आपके बालों को बहुत हद तक डैमेज करता है। आजकल मार्केटिंग में बहुत बोलते हैं कि अमोनिया फ्री हेयर कलर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अमोनिया होता है, और अमोनिया जो होता है आपके बालों को बहुत हद तक डैमेज करता है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है, आपकी हेयर ग्रोथ को डैमेज करता है। इसलिए अगर आपको हेयर कलर करना भी है तो कोई अच्छे ब्रांड का कीजिए, अच्छी क्वालिटी का कीजिए, और जहाँ तक कोशिश हो सके आप हेयर कलर को अवॉइड करें। देखिए, जब आप नहाकर आते हैं, जब आप शावर लेते हैं, तो इसी वक्त आपके जो बाल होते हैं वो बेहद ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, आपके जो हेयर फॉलिकल होता है वो बेहद वीक हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप नहाकर आते हैं, जब आप शावर लेते हैं, तो उसमें इंस्टेंट कॉम ना कीजिए, इमीडिएटली उसमें कंघी ना करें, उसमें थोड़ा वक्त लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, अपने बालों को सूखने दे, और उसके बाद अपने बालों में कंघी करें। क्योंकि क्या होता है, अगर आप इंस्टेंटली बाद उसमें कंघी करेंगे, कॉम करेंगे, तो आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें, पोन अप ना करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बहुत देर तक अपने बालों को बांध कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा पोन अप रखते हैं, तो हो सकता है आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 या 3 बार उसे अच्छे से मसाज कीजिए, ऑयलिंग कीजिए, अपने स्कैल्प पे अच्छा न्यूट्रिशन पहुँचाए। बहुत से लोग आपकी सरफेस पे ही ऑयलिंग करते हैं, बट वो इतना इफेक्टफुल नहीं होता है। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने स्कैल्प पे अपना अच्छा न्यूट्रिशन दे, अच्छा वहाँ पे ऑयलिंग कीजिए। इसके अलावा अगर आपको बार बार डैंड्रफ होता है तो डैंड्रफ से बचे, अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कीजिए, उसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि क्या होता है, डैंड्रफ से भी आपका बहुत बार हेयर फॉल जो होता है उसका जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, कभी कभी दुगना हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने सर में डैंड्रफ ना होने दें। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो वो भी छोड़िए। क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा आपको हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा आप बहुत अच्छी एक नींद लीजिए, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो आपको हो सकता है कि स्ट्रेस आएगा, आपकी जो स्लीप साइकिल अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी ये सारी समस्या लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऑटोइम्यून डिसीज तो नहीं है जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस होता है। अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर सबसे पहले उसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपका जो हेयर लॉस है वो रुक जाए। और इसके साथ साथ मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन भी अवेलेबल होती है जिसकी वजह से हेयर लॉस रुक सकता है, जैसे कि फिनस्टराइड होता है, मेनोक्सिडिल जेल होते हैं, ये कुछ मेडिसिन होती है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, मार्केट में कुछ एडवांस थेरेपी भी आ चुकी है, जैसे कि PRP यानी कि प्लाज्मा रिच प्रोटीन। ये काफ़ी इफेक्टफुल यानी बहुत यूज़फुल प्रोसेस है। इसमें आपका जो ब्लड होता है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इन प्लाज्मा रिच प्रोटीन को आपके हेयर फॉलिकल पे यूज़ किया जाता है। ये इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आजकल, और बहुत यू नो पीपल आर अडेप्टिंग दिस प्रोसेस, और इसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी एडवांस थेरेपी है, जैसे कि मेसोथेरेपी, जिसमें आपके बॉडी के जो मेसोस्टेम सेल लिए जाते हैं उसको आपके हेयर फॉलिकल पे फ्लो कराया जाता है, जिसकी वजह से जो आपके हेयर फॉलिकल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिलती है। ये भी काफ़ी एक एडवांस थेरेपी है जिसकी वजह से आपके जो हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छे देखने को मिलती है। इसके साथ साथ माइक्रोनेडिंग थेरेपी है, फॉलिकल बाथ होता है, इंफ्रारेड थेरेपी होती है। ये सारी थेरेपी जो होती है इनमें बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, और इसके जो रिजल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपके हेयर फॉलिकल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप सर्जिकली ट्रांसप्लांट कराएं अपने हेयर फॉलिकल्स को। यानी कि जो आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट करने की सलाह देते हैं। इसमें मेजरली आप क्या करते हैं, जो आपके साइड के जो बाल होते हैं, जो बैक साइड के हेयर्स होते हैं, उन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है सर्जिकली आपके उन पार्ट के ऊपर जहाँ पर आपका हेयर लॉस हुआ है। ये बहुत एक छोटी सी प्रोसेस होती है, ये एक दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो आपके डॉक्टर होते हैं, जो आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो सर्जिकली ट्रांसप्लांट करते हैं उन हेयर फॉलिकल को आपके सेंटर पार्ट में या जहां पर आपको हेयर लॉस हुआ है। ये बहुत सेफ प्रोसेस होती है, इसमें कोई भी डैमेज नहीं होता है, और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो मेक श्योर दैट यू विल लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद फ्रेंड्स। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। और तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में। साइनिंग ऑफ।